Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता, अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में आप दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते भी होंगे। 1973 का एक एक्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है लॉ के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट हो, बीएलएलबी के हो या जुडिशरी के हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो समझने बहुत जरूरी है। जब आप कहीं प्रैक्टिस के लिए जाएंगे या इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार इसमें हम दो पढ़ते हैं। एक तो हमने पढ़ा, पहले तो ये प्रोसीजरल लॉ है और एक हमने सब्सटेंटिव लॉ की बात की। तो यहां पर सीआरपीसी में प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं, यानी कि प्रक्रिया के रिगार्डिंग जो जो सेक्शन है वो यहां पर बतलाए गए। कौन सी प्रक्रिया? एक हमने आईपीसी पढ़ा और एक सीआरपीसी होता है। आईपीसी में हम जानते हैं कि वहां पर क्राइम के अकॉर्डिंग वहां पर ऑफेंसेस तय किए गए हैं, जिसमें पेनल्टी प्रोविजन रखे गए हैं, लेकिन सीआरपीसी बतलाता है कि इन ऑफेंसेस में किस किस तरीके से यहां पर प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है या क्रिमिनल पाया जाता है तो उसे किस किस प्रोसीजर के तहत होकर गुजरना होगा और किन किन प्रक्रिया के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी, क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी, तो इस तरीके के प्रोविजन यहां पर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स में आपसे पूछा भी जाएगा। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट मैं देखता हूं कि सीआरपीसी में इस क्वेश्चन को पढ़कर नहीं जाते हैं, लेकिन अक्सर ये आपके एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछा जाता है। बात करूं तो इसकी हिस्ट्री के बारे में, सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सीआरपीसी किस तरीके से आया, उसके बाद इसके सैलिएंट फीचर्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। लेकिन उसे समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर अब आप हमारे द्वारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हैं, एलएलबी या बीएलएलबी के ट्यूशन हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से स्टार्ट किए जा चुके हैं, साथ ही अलग अलग लॉ कॉम्पिटिशंस जो लॉ कैट होते हैं, क्लैट होते हैं, अदर जुडिशरी सिलेबस जो होते हैं उनके रिगार्डिंग भी हम लोगों की ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप वहां पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छी एक डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए जान लेते हैं सीआरपीसी के बारे में कि इसके क्या क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसके बाद जानेंगे इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे इसके कौन कौन से सैलियंट फीचर्स हैं, यानी कि विशेषताएं हैं। अक्सर आपके 20 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो जरूर ध्यान से इसे लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी। लास्ट नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बतलाएंगे सीआरपीसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर समझ लेते हैं, सबसे पहले सीआरपीसी की बात करूं तो देखिये सीआरपीसी जब बना उससे पहले हमारे यहाँ क्योंकि मुस्लिम शासक होते थे और मुस्लिम शासक के बाद ही ब्रिटिश राज आया था, तो जब ब्रिटिश राज आया तो वहां पर उस समय जो सीआरपीसी की कंडीशन थी, सीआरपीसी कहीं पर भी नहीं था और सारे के सारे मुस्लिम लॉ वहां पर एप्लीकेबल होते थे। तो जब ब्रिटिश राज आया तो उन्होंने उन सब चीजों को खत्म किया और अपना एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो लेकर आए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहां पर एप्लीकेबल करने की कोशिश की। और सबसे पहले हम देखते हैं सीआरपीसी 1898 में, यानी कि 1898 में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर लागू किया, जो अक्सर आगे चलकर हमने देखा अमेंड हुआ 1923 में, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो 1955 में, यानी कि अगर अंग्रेजों के जमाने की बात करूं तो 1898 में ये यहां पर सीआरपीसी बनकर हमारे देश को मिला, लेकिन उसके बाद 1923 में अमेंड किया गया, और उसके बाद जब हमारा देश फ्री हो गया यानी कि स्वतंत्रता हमें मिल गई, उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 यहां पर बनाया गया, जिसने सीआरपीसी को इम्प्रूवाइज करने के लिए यहां पर काम किया। और उसके बाद यहां पर देखते हैं 1955 के बाद 1958 में 14th लॉ कमीशन बनाया गया इसके इंप्रोवाइजेशन करने के लिए, यहां पर सीआरपीसी को किस तरीके से बदलती हुई परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उसमें क्या-क्या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, उसे देखते हुए यहां पर 14th लॉ कमीशन विधि आयोग यहां पर गठित किया गया, जिसके बाद इस विधि आयोग ने 14वें विधि आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की अपनी सितंबर 1969 में, 1969 में अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट की, जिसके बाद पूरे के पूरे एक्ट को पूरी तरीके से अमेंड किया गया और एक सीआरपीसी 1973
पार्लियामेंट से पास किया गया, यानी कि आप देखेंगे जो आज के समय में हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं वो 1973 की बात करें, यानी कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हम लोग पढ़ते हैं जो एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1974 से पूरे इंडिया पर। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उसके बाद भी काफी सारे अमेंडमेंट यहाँ पर लगातार आज तक होते रहे हैं। जैसे हमने देखा 1974 को तो ये एप्लीकेबल हुआ, लेकिन वहीं पर 1978, 1980, 1983, 1988, 1993, फिर 2001 में इसमें अमेंडमेंट आए, फिर 2005, 2006, 2008, 2010, 2013 और लेटेस्ट अमेंडमेंट हमने 2018 में देखा। तो यहां पर इस तरीके से कई बार सीआरपीसी में अमेंडमेंट लगातार चलते हुए आ रहे हैं आज तक भी। तो यहां पर ये जरूर ध्यान रखेंगे कि किस तरीके के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स यहां से निकलते हैं 1898 से बनते हुए और उसके बाद 1973 हमारे यहाँ एप्लीकेबल होता है। उसके बाद शॉर्ट में बात कर लेते हैं इसके बारे में भी कि इसके ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, सीआरपीसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था बनाने का। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो कई बार पूछा भी जाता है, तो उसके तीन ऑब्जेक्ट यहां पर बतलाए जाते हैं कि सीआरपीसी को लागू करने के मेन तीन ऑब्जेक्ट्स यहां पर दर्शाए जाते हैं। सबसे पहले न्यायिक कार्यवाही में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना। अगर आपको ध्यान हमने ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ा था वहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बात की थी और ये कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आया है तो आपने ध्यान से पढ़ा ही होगा। तो यहां पर भी कहा गया कि सीआरपीसी किस वजह से लागू की गई, पहला तो न्यायिक कार्यवाही यानी कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती थी उनमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जा सके। दूसरी चीज अन्वेक्षण एवं विचारण में विलंब या देरी को खत्म करना, यानी कि इंक्वायरी और जो ट्रायल प्रोसीजर होते थे उनमें जो लेट प्रोसीजर्स थे उन प्रोसीजर्स को खत्म करना, यानी कि जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल हो सके। इस वजह से भी यहाँ पर सीआरपीसी को अमेंड करके 1973 को लागू किया गया। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि गरीब व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सके, यानी कि सीधी सी बात है सीआरपीसी कह देता है कि ये जो विधिक प्रक्रिया थी ये बहुत लंबी थी और अक्सर गरीबों को क्योंकि पता नहीं होती थी, अनपढ़ होते थे और वो इसके बारे में जानते भी नहीं थे पूरी तरीके से। तो सीआरपीसी को लागू किया गया ताकि ये जो प्रोसीजर्स हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं इस तरीके के क्रिमिनल ऑफेंसेस को लेकर, उन्हें ईजी बनाया जा सके जिससे गरीब व्यक्ति को भी यहाँ पर जस्टिस प्राप्त हो सके। उसके बाद अगर इसकी सीआरपीसी की ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल सेक्शन इसमें 484 दिए गए हैं जो 37 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए, यानी कि 37 चैप्टर में यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत दो शेड्यूल बनाए गए यानी कि दो अनुसूची भी यहाँ पर दिखाई गई है। पहली अनुसूची में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस यानी कि अपराधों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया, और वर्गीकरण आप आगे चलकर पढ़ेंगे भी कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हम जानते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया कौन कौन से संज्ञेय होंगे और कौन कौन से असंज्ञेय होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल यानी कि जमानती अपराध कौन से होंगे और जमानती अपराध कौन कौन से होंगे, उसका क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से शेड्यूल वन में कर दिया गया। और उसके बाद जब हम शेड्यूल टू देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेट्स ऑफ समन वारंट ऑर्डर्स एक्सेट्रा, यानी कि जो भी इसके आदेश समन वारंट पारित होते हैं उनके क्या क्या प्रारूप होंगे, किस तरीके के फॉर्मेट होंगे, वो शेड्यूल टू में दर्शाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और शेड्यूल्स। उसके बाद बात करते हैं इसकी सैलिएंट फीचर्स के बारे में यानी कि विशेषताओं के बारे में। तो इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में सीआरपीसी की बात कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं कि जब भी सीआरपीसी लागू किया गया तो उसके उद्देश्य हमने पढ़े, लेकिन उसके सैलिएंट फीचर्स यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिस वजह से वो अक्सर जाना जाता है। तो यहां पर विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले कहा जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण इस कोड के द्वारा कर दिया गया, यानी कि उनके जो कार्य थे उन्हें पूरी तरीके से इस कोड में डिवाइड किया गया और बतलाया गया कि जुडिशरी किस तरीके से प्रोसेस करेगी और एग्जीक्यूटिव किस तरीके से प्रोसेस करती है। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दिखाया गया है। उसके बाद आपराधिक वादों का विचारण करने वाले न्यायालयों की स्थापना, तो क्रिमिनल कोर्ट्स की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स यहां पर कर दिया गया, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, सेक्शन 6 आता है, अक्सर 20 नंबर में क्वेश्चन भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट सैलिएंट फीचर्स इसका आता है सेशन कोर्ट एवं प्रेसिडेंसी न्यायालयों का बना रहना। ये सीधा कहता है कि जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सेशन कोर्ट्स या प्रेसिडेंसी कोर्ट्स उस समय बनाई थी उनका यथावत बना रहना ही यहां पर लागू रहेगा, यानी कि वो एज इट इज रहेंगी, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हो चाहे वो प्रेसिडेंसी कोर्ट्स हो। प्रेसिडेंसी कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, तो उसी तरीके से बनी रहेंगी जैसे वो बनी हुई थी। ठीक, उसके बाद आते हैं स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, यानी कि स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट यहां पर अपॉइंट किए गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है संक्षिप्त परीक्षण प्रणाली का प्रारंभ, जहां पर स्पीडी ट्रायल की बात करता है। मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में स्पीडी ट्रायल यहां पर किया जाने लगा,
इस कोड के थ्रू कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिसमें टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे कि इतने टाइम पीरियड में ये काम एफआर हो जानी चाहिए, इतने पीरियड में वो कोर्ट में सबमिशन हो जाना चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। तो इस तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर रखी गई है, इसीलिए यहाँ पर लगाया गया कि स्पीडी ट्रायल यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद आता है पुनरीक्षण का अधिकार, रिविजन और रिव्यू का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया किसी सेशन कोर्ट को। पहले अधिकार केवल हाईकोर्ट के पास था, लेकिन इस कोर्ट के बाद यहाँ पर हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को रिविजन और रिव्यू का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद आता है लोक अभियोजकों की योग्यता का निर्धारण, यानी कि जो हमारे यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते थे उनकी जो क्वालिफिकेशंस थी उसके बारे में भी यहाँ पर प्रोविजंस बना दिए गए। जो पीपीओ एपीओ पीओ होते थे उनके सारे क्वालिफिकेशंस यहाँ पर जनरेट कर दिए गए, बतला दिए गए हैं कि उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद जूरी प्रणाली और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों का समापन, पहले हमारे यहाँ जूरी प्रणाली होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत और तृतीय श्रेणी के थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर रखे जाते थे, लेकिन इन दोनों ही प्रोसीडिंग्स को यहाँ से हटा दिया गया, अभी हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो सीआरपीसी के अंतर्गत इन्हें हटा दिया गया है। और नेक्स्ट आता है अभियुक्त को कानूनी सहायता देना एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना। इसके बाद लास्ट आता है कि यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो एज अ राइट उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत भी कराया जाएगा, इसके प्रोसीजर में बताया गया, और साथ ही उसे अगर कानूनी सहायता की जरूरत है, लीगल एड की जरूरत है, तो वहां पर उसे लीगल एड भी दी जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीडिंग्स हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं जिसके बारे में हम आने वाले सेक्शंस में अलग से बात करेंगे क्योंकि उन पर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल आज हमने जाना कि इसके सीआरपीसी के पीछे के हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या आते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। 20 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर अब आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।